नमो केदार आज तक पर एक कवरेज लगातार जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो आपदा के बाद केदारपुरी के जीर्णोद्धार के लिए शुरू होने वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचेंगे। करीब 2 घंटे का यह समय होगा जब तक प्रधानमंत्री यहां रहेंगे, विशेष पूजा में शामिल होंगे और कार्यक्रम इसके बाद एक जन संबोधन का भी है, लेकिन इंतजार उसके लिए करना होगा। कुछ ही समय में तस्वीरें मिलने भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस बीच ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की, क्योंकि गुजरात से शुरू हुआ सफर केंद्र की राजनीति में जब आया तो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम भी पहुंचा और उसके बाद अपने अलग अलग दौरों में, चाहे भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के दर्शन करना हो प्रधानमंत्री बनने के बाद, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जाना हो या फिर आज के दिन केदारनाथ धाम जाना हो। हालांकि इससे पहले 3 मई 2017 को जब केदारनाथ के का पाठ खुलने थे उस समय भी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे और अब 5 महीने बाद एक बार फिर वो केदार धाम लौट रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही धर्माचार्य पंडित डीपी शास्त्री भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। जो सफर गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुआ, केंद्र की राजनीति में आए तो वाराणसी तक पहुंचा और अब आज हम ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें देख रहे हैं। गोवर्धन पूजा का दिन, दीपावली का एक दिन बाद, कितनी खास हैं ये तस्वीरें और आज का ये दौर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया दौर है। दौर के मतलब ये है कि उनके जीवन में प्रभु के प्रति, भगवान शिव के प्रति जो आस्था है और भगवान शिव में जो अपने जीवन में ये पीएम बनने से पहले भी जितना अपना वो किए हैं धर्म के प्रति यात्रा, उसी के निमित्त बराबर वो लग्न से लगे रहते हैं। शिव शब्द ही कल्याणमयी है, चाहे बाबा विश्वनाथ हो, चाहे बाबा पशुपतिनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो। जब हम वंदना करने के लिए जाते हैं मानव जीवन में, देखिए सब लोग भगवान को वंदना करते ही हैं और बिना भगवान के वंदना किए, बिना उनके द्वार पे या धर्म के द्वार पे या कोई मंदिर हो, अगर ना कोई व्यक्ति जाए तो उसके जीवन में क्या होता है, वो अपने मन से धारणा करता है। बल्कि हम लोग को सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं कि हिंदू धर्म के प्रति, मंदिर या कोई भी ऐसा तीर्थ है उसके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं और जाते भी हैं। एक चीज बताएं पहले शिव के ऊपर, भगवान शिव की जो महिमा वेदों में गाई गई है उसमें नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा गाया गया है। हम 2-4 मंत्र भी बताएंगे महामृत्युंजय भगवान शिव के बारे में, बाबा केदारनाथ के बारे में। सबसे पहले बताएं कि जन्मांग चक्र में चंद्रमा नीच के होने के कारण वो बार बार भगवान शिव के जो शुरू से तपस्या करते हैं उसे चंद्र दोष की निवृत्ति उनकी होगी, क्योंकि चंद्र उनका राजयोग कारक है और भगवान शिव जो है सो धर्म के महादेव हैं। किसलिए देव हैं कि भगवान सब देवताओं को अमरतत्व देने के लिए, निरोग करने के लिए, राष्ट्र को, अन्यथा पूरी जो हमारा विश्व की संपदा है, चाहे विश्व के हम लोग हैं, भगवान शिव खुद विष को पान किए थे, इसीलिए उनको महामृत्युंजय करते हैं। क्योंकि एक मंत्र इसमें आता है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भाम भाग्यम नारायणम प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जब वो बाबा के द्वार गए थे वाराणसी में तो बाबा उनको जीवन में क्या क्या देंगे वो तो बाबा आशीर्वाद प्रदान किए। बल्कि एक बात है कि जो बाबा के द्वार पे जाता है वो जीवन में कभी खाली नहीं आता है और बाबा में लग्न है। लग्न क्या लग्न है कि लग्ने तिथि लग्न, वो अपना समर्पण देवताओं के प्रति, तीर्थों के प्रति, अन्यथा महापुरुषों के प्रति, संत समाज के प्रति बराबर दिखाते और करते भी रहते हैं। और दिखाना मतलब ये नहीं कि राजतंत्र से दिखाते हैं, उनके मन में उनके प्रति आस्था है और आस्था, और इसी आस्था के संगम की हमने अलग अलग तस्वीरें भी दिखाई। खैर, इंतजार अब हमें इस बात का है कि जैसे ही पहली तस्वीरें मिलनी शुरू हो तो वो भी हम दिखाएं, लेकिन देश के बहादुर सैनिकों के बीच भी दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और अब आज वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर बसे केदारनाथ धाम जाकर पीएम मोदी न सिर्फ बाबा केदार के दर्शन और पूजन करेंगे बल्कि एक नई केदारपुरी के निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और आज के दिन में एक अहम कार्यक्रम है उनका। जब केदार धाम का कपाट खुला तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे पूरे भक्ति भाव के साथ। और जब भगवान शिव के इस धाम का कपाट बंद होने वाला है तब भी वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदार धाम को एक नया रूप देने के लिए नई केदारपुरी बसाने का फैसला किया है, जिसके लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत वो खुद अपने हाथों से शिव की पवित्र भूमि से करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी केदारपुरी में 5 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। आदि शंकराचार्य जी के जो समाधि स्थल है वहाँ पर समाधि स्थल का, संग्रहालय का, मंदाकिनी जो नदी है उस पर घाट निर्माण का, सरस्वती नदी है उस पर घाट के निर्माण का, और जो हमारे पंडे पुरोहित वहाँ पर रहते हैं उनके जो घर है उनका घरों का उनका पुनरुद्धार पुनर्निर्माण, और जो वहाँ पर तमाम जो जन सुविधाएं वहाँ पर विकसित होनी है उन सबका शिलान्यास वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। 2013 में प्रकृति का ऐसा पहाड़ केदार धाम पर टूटा था कि बर्बादी का एक बड़ा मंजर आज भी लाखों दिलों को दहला देता है। इस आफत में बाबा केदार का धाम चमत्कारिक रूप से इस भीम शिला की वजह से सुरक्षित बच गया था। भगवान केदारनाथ का मंदिर आज एक नए स्वरूप में है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम तेजी से किया गया। उस वक्त जब गांधी सरोवर के टूटने से सरस्वती और मंदाकिनी नदी में जो बाढ़ आई उसके बाद पूरी केदार घाटी तहस नहस हो गई। इसी भीमशिला की वजह से मंदिर का बचाव हुआ और अब ये पत्थर, ये भीमशिला इस मंदिर की, केदारनाथ मंदिर की पहचान बन चुका है। आपदा से हुई बर्बादी के बाद केदारधाम के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। सरस्वती और मंदाकिनी नदी के संगम पर नए घाट बनाए गए हैं। आज पीएम मोदी पुनर्निर्माण कार्य के अंतिम चरण के कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। सरस्वती और मंदाकिनी नदी का जो संगम यहाँ पर है उसमें नए घाट बनाए गए हैं और इसके साथ केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम है वो अलग अलग स्तर पर चल रहा है। और इस एक साल की हम बात करें तो ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के कपाट खुलने और कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ में मौजूद है। और यहाँ पर खासतौर से केदारनाथ पुनर्निर्माण का जो अंतिम चरण का काम है तो उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 5 महीने के भीतर पीएम मोदी का केदारनाथ का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले जब केदारनाथ के कपाट खुलने पर पीएम यहाँ आए थे, इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी केदारनाथ पहुंचे भक्ति भाव से ओतप्रोत। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी का आरोप है कि तब मोदी ने केदारनाथ के जीर्णोद्धार की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। अब जबकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, केदारनाथ को नए सिरे से संवारने का काम जोर पकड़ चुका है। पीएम मोदी विशेष विमान से दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सुबह 10 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। बाबा केदार के दर्शन के बाद पीएम मोदी नई केदारपुरी के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी करीब 2 घंटे केदारनाथ में रहेंगे। इस दौरान वो वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। पीएम की केदारनाथ यात्रा को देखते हुए यहां गहमा गहम तेज है। कल दिवाली पर मंदिर को भव्य रूप में फूलों से सजाया गया और शाम ढलते ही दीपों से रोशन किया गया। बहुत दिनों बाद इस बार केदारधाम में दिवाली की चमक बढ़ी है और इसकी चमक को और बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो आज सुबह केदारनाथ के चरणों में होंगे, मंजीत नेगी, केदारनाथ धाम आज तक। आलोक जी, यहाँ पर तस्वीरें अब किसी भी वक्त हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ऐसे धामों का दौरा करते हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखें तो किस तरह का एक मैसेज जनमानस की तरफ जाता है और राजनीति में उसका क्या अहम रोल रहता है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो करना ही चाहिए इस बात से कि इसको धार्मिक मानिए, और लेकिन इसके साथ उसका एक अपना महत्व सामाजिक का है। राजनीतिक तो है ही, राजनीतिक उसका समाज का ही परिणति राजनीति में होती है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आप लोग इसी स्टूडियो में बैठ करके हम लोग वडनगर जो उनका गृह गांव है हाटकेश्वर मंदिर की बात कर रहे थे। हाटकेश्वर मंदिर भी शिव का मंदिर है, तो चाहे गुजरात का चुनाव हो चाहे हिमाचल पर बैठी हुई देवी के लिए हो, लेकिन उनकी आराधना करना खुद शुरू से, चूँकि मोदी जी के प्रारंभिक काल में भी जब घर से भी बाहर गए थे तो किसी तरह के पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के ही कुछ उन्होंने जो भी आराधना की थी ऐसा बताया जाता है।
तो मुझे लगता है कि उस आस्था को उन्होंने जोड़े हुए हैं और उनको लगता है कि भारत के लाखों करोड़ों धर्मप्राण ऐसे लोग हैं जिससे कि उससे उनके नेतृत्व की के बारे में विश्वास भी अर्जित होता है जब वो भगवान के साथ अपने को सीधे सीधे सार्वजनिक रूप से, देखिए आस्था कई बार व्यक्तिगत पूजा पाठ देखा जाए तो व्यक्तिगत निष्ठा का मुद्दा है। और लेकिन मैं इसके साथ दूसरी बात भी जोड़ूंगा कि देखिए पर्यटन की दृष्टि से केदारनाथ, मतलब चाहे गवर्नर भी वहाँ रहे, गवर्नर राज्यपाल राज भी रहा, कई सरकारें रहीं, केदारनाथ को बढ़ाने का उनको विकसित करने की कोशिश हुई। पिछली सरकार में मुझे भी मालूम नहीं, अभी आपके कोई संवाददाता होंगे तो उनसे पूछा जाएगा या कोई विशेषज्ञ हो, कि वहाँ पर ये योजना बनी थी कि उससे कई लोग ऐसे हैं जो जा सके, जैसे कहते हैं चेयर कार जो जाती है अपना, उस तरह की पूरी योजना पिछली सरकार के समय बनी लेकिन वो पूरी नहीं हुई अभी तक। तो उसके कई पेच है, चूँकि पहाड़ में लोग दुर्घटनाएँ होती हैं, भूकंप आते हैं, उस केदारनाथ को ऐसा विकसित किया जाए जो धार्मिक समाज को जोड़ने का, असल में धर्म के साथ सही बात यह है कि ऐसे मंदिर जो भी रहे हैं चाहे वहाँ जब लोग मिल करके जाते हैं, और अभी वैसे पंडित जी ने कहा ठीक है कोई हिंदुओं की आस्था है, लेकिन दुनिया में आप देखें कि कोई भी धर्मावलंबी हो यदि भगवान के चरणों में पहुँचता है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम किसी और धर्म के हो इसलिए तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जो उनके चरणों में जाएगा। मानव कल्याण की बात किसी भी धर्म ग्रंथ में है और सत्ता में भी जो हो उनको भी मानव कल्याण की बात करना चाहिए। इसलिए आपने कहा ये ठीक है, अभी चुनाव सिर पर हैं, चुनाव के पहले भी वो जाते रहे इसलिए ये नहीं कह सकते कि खाली चुनाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो गुजरात में तो ज़्यादा धार्मिक भावनाओं के लोग हैं, हिमाचल में भी हैं, दोनों राज्यों के मैं बराबर कई बार जाता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको भी एक लगता है कि हमारा नेता ऐसा है जो भगवान के चरणों से, जिसके बल पर हमें चाहे गैस मिले न मिले, बिजली मिले न मिले, अस्पताल ठीक से हो न हो, लेकिन भगवान शायद हमारा देर सवेरे एक आशा जगाता है, वो भगवान से उनको उम्मीद होती है, तो वैसे ही उनको अपने नेता से लगता है कि चलिए अभी कुछ हुआ नहीं शायद कुछ हो जाए, तो शायद उस तरह की एक राजनीतिक उसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि अभी कल्याण की जैसे आज भी वो शिलान्यास वगैरह कर रहे हैं केदारपुरी का, तो उसको कितना विकसित किया जाए कि अधिक लोग आ सके, दुर्घटनाओं से बचे। होती है कि कोई भी दौरा होता है, अगर पिछले 3 साल के भी अलग अलग दौरे हम देखें, चाहे वो विदेश दौरे रहे हों, राजनीतिक किसी कार्यक्रम में गए हों या फिर कुछ योजनाओं का शिलान्यास करना हो, साइड बाय साइड अगर कहीं पर भी कोई धाम होता है, कोई मंदिर होता है, तो वो उस जगह का हिस्सा बनते हैं। जैसे हमने देखा है कि चीन जापान भी गए तो वहाँ पैगोड़ा के दर्शन जाके उन्होंने किए। और इसीलिए देखिए, इसलिए मैंने भी आपको जो जिक्र किया कि देखिए बौद्ध धर्म कहीं जाते हैं, जापान जाएं, चाहे कहीं पर भी देशों में या चीन भी जाएं, तो वहाँ ऐसे कोई भी, जबकि चीन को माना जाता है कि वहाँ धर्म नहीं है, लेकिन वहाँ भी बौद्ध की प्रतिमा वाले जो स्थान हैं पैगोड़ा, वहाँ लोग जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जाएँ या दूसरे लोग भी, लाखों पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। तो हमें भारत में उसे केवल कट्टरपंथी के साथ नहीं जोड़ के उन्हें एक सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज के लिए कैसे उनको वहाँ किया जाए, उससे आर्थिक संसाधन भी होंगे। आज देखिए हेलीकॉप्टर, मैं हम जिस जमाने पहले भी जब गए हैं तब हेलीकॉप्टर का सरकार का ही जाता था, अब तो ये है कि आप 4 आदमी 6 आदमी मिलकर के कोई भी लोग, सामान्य लोगों के लिए इतने हेलीकॉप्टर चलने लगे हैं, उससे एक दो अभी हाल में दुर्घटना भी हुई, लेकिन ये कितनी सुविधा हो गई। जो बुजुर्ग लोग थे केदारनाथ पहुंचने के लिए, मैंने उनको माला पहनाया जाता था कि वापस नहीं भी आएंगे तो बुजुर्ग आयु में जाते थे, लेकिन अब तो युवा जाते हैं, ये अलग बात है कि उससे पर्यावरण पर जो नुकसान है उसकी सुरक्षा की गारंटी भी समाज को भी करना चाहिए, सरकार को तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि तीर्थ कभी किसी को बुलाता है, तीर्थ में जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, देखिए सनातन परंपरा जो है ना, श्रद्धा विश्वास की एक जड़ है, सबसे बड़ी चीज है। जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी के प्रति, तीर्थों के प्रति जितना श्रद्धा रखा, भगवान के प्रति रखा, उतना ही मिला। क्योंकि हम लोग के संस्कृति में माँ बाप सबसे पहले संस्कार जो प्रदान करते हैं, वहाँ हम लोग का जन्म ही श्रद्धा से होता है और विश्वास से होता है। भगवान की जो मंदिर है, जिस मंदिर को हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे सोमनाथ मंदिर, चाहे बाबा पशुपतिनाथ केदारनाथ का, भगवान देखिए प्रकृतिक बड़ी सुंदर है, हम सब लोग जानते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये प्रकृतिक जो पहाड़ है बहुत सुंदर है और भगवान का शिष्य है। आप इस मंदिर का महत्व बताने वाले हैं, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा।